यूएसए टूरिस्ट वीजा वास्ते कुछ लोगों को खास हदायतें देन जा रही हैं, या लोगों का फ्रैश पासपोर्ट है ना वो यूएसए टूरिस्ट वीजा को अवॉइड कर। इट इज़ माई परसनल एडवाइस टू यू। मैं आ नहीं कहना कि उत्थे फ्रैश पासपोर्ट में वीज़ा नहीं मिलता, मिलता है, उसकी रेशो बहुत थोड़ी है। अगर तुम यूएसए टूरिस्ट वीजा अपलाई करना चाहते हो, इट्स माई परसनल एडवाइस टू यू, काइंडली दोस्तों एक या दो कंट्री प्लीज पहले ट्रैवल कर लो। मैनू मिलिया जो वीज़ा तो मैं सिर्फ दुबई ट्रैवल किया, उस तो बाद यूएस वीज़ा मैं मिल गया। तो मेरी एडवाइस सबू यह है कि एटलीस्ट कोई एक दो कंट्री पहले ट्रैवल कर लो, उस तो बाद यूएस टूरिस्ट वीज़ा का रिस्क जरूर लो। सैकेंडरी जो उत्थे जाना है, मैंने कुछ लोग पुछते सर कोट पेंट पा के जाइए, टाई पा के जाइए, कि साडा ड्रैस कोड होना चाहिए। दोस्तों एज नॉर्मल जिवें तुसी रहिंदे हो उदा जाओ। हाँ, बहुत ओवर फंकी भी बन के ना जाओ, बहुत ज़्यादा प्रोफेसनल भी बन के ना जाओ, नॉर्मल बन के जाओ, दैट्स इट। कपड़े मैटर नहीं करते उत्थे, ठीक है, तुसी जिवें जिवें तुहानू ठीक लगदा उदा कंफर्टेबल जाओ, बट ओवर ना लगे। थर्डली सर मैं लैंग्वेज पंजाबी बोलता या हिंदी बोलता की कर सकते हैं? दोस्तों अगर तुसी अपनी लैंग्वेज जो आप डीएस 160 फॉर्म भरते होंगे उत्थे तुसी अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, पर जो अपॉइंटमेंट पिक करनी है उत्थे इक्को लैंग्वेज लिखी आती है, इंग्लिश। तो इस करके तुसी उत्थे जाके गल करनी होंगी, उत्थे जाके कहना होंगे सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। अगर तुहानू हिंदी ट्रांस अंदर उत्थे मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज बी रेडी फॉर द इंग्लिश। उत्थे कई लोगों ने होया इदा कि फॉर्म च लिखा सीगा हिंदी बट उत्थे जाके उन्हें इंग्लिश ही पूछा गया, ठीक है। सो इस करके आलवेज ट्राई अपनी इंग्लिश थोड़ी जी मेनटेन करो, उत्थे बहुत औखी इंग्लिश नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश हैगी। फोर्थ, डीएस 160 जो लिखा होंदा वो तुहानू पता होना चाहिए। बहुत लोग मैं देखे जिन्होंने डीएस 160 का पता ही नहीं होंदा, सर फॉर्म च लिखा सीगा, सर एजेंट ने फॉर्म देता सानू उत्थे ते कहिंदा आ पढ़ लो फटाफट, ऐदा नहीं। फॉर्म पहला पढ़ो, एक हफ्ता तक फॉर्म होवे, एक हफ्ता प्रॉपरली फॉर्म की स्टडी करो, अपने घर शीशे के मूहरे बैठ के अपनी सैल्फ स्टडी करो, ठीक है। पंजवां, इंटरव्यू प्रिपरेशन। वैबसाइट्स तो बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लिखे होंगे, यूट्यूब पर वीडियोज़ हैगियां या, और जिस इंसान तुम वीज़ा अपलाई कर रहे हो उन्होंने भी काइंडली कहो कि सानू इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाए। सानू पता होना चाहिए आ कि इंटरव्यू किस ढंग की होंगी हैगी, कि सवाल पूछे जा सकते हैं। अपनी तैयारी जरूर करो, कॉन्फिडेंस रखो, तुहानू पता होना चाहिए कित्थे कित्थे घूमना, फॉर्म च की लिखिया है, डीएस 160 फॉर्म जो लिखा उहदे विचों सवाल पूछे जाते हैं, एंड यू शुड हैव टू बी प्रोएक्टिव, ठीक है। सो तुहानू अपनी आईज कन्न प्रॉपर खोल के रखने पैंदे कि वह वीज़ा अफसर की बोल रहा, मैं की जवाब देना है। कई बार गलती भी हो जाती, गलती को कवर भी करना आना चाहिए, मैं कितना कवर करना फटाफट। सो यू हैव टू बी क्लैवर। सो इन गलों दोस्तों खास ध्यान रखो, और अगर तुम यूएस टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो या वीज़ा लगवाना चाहते हो, सानू नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो, तुहानू मैं खुद बैठ के अपनी जो प्रिपरेशन हैगी इंटरव्यू की खुद करवाऊंगा, बिकॉज मैंने वीज़ा मिलिया सी और मैं जाके भी आया। दिस इज एवरीथिंग, सो रेस्ट इज डिसीजन तुहाडा हैगा दोस्तों, तुसी किवें काम करना चाहते हो। गॉड ब्लेस यू, जितों भी वीज़ा लगवाओ, मेरी अरदास हमेशा यही आ, हर इंसान का वीज़ा आए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।